अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन करेंसी मार्केट क्या है, किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में इसका पार्ट प्ले होता है और क्या वो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग को, ये हम जिक्र कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर में। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से हमें यह अंदाज़ा हुआ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट हैं जो पार्ट प्ले करता है। अब सबसे पहले जैसे मिसाल के तौर पर हम ये देखें कि फॉरेन एक्सचेंज और रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उनका रोल क्या होता है, किस अंदाज में वो पार्ट प्ले करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज के साइज़ को डिटर्मिन करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की प्राइसिंग को डिटर्मिन करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स को डिटर्मिन करते हैं। ये ट्रेडिंग होती है आपस में, तो यही डिटरमिन करता है मार्केट साइज़ और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कितनी अवेलेबल है फॉरेन मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की, किस तरह से इनकी ट्रेडिंग इफेक्ट होती है, और यहाँ पर बात आ जाती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स से हमें पता चलता है वो हैं कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल कंपनीज और सेंट्रल बैंक्स। मुख्तलिफ जो भी कंट्रीज होते हैं उनके सेंट्रल बैंक्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी ज़िम्न में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स की बारी भी आ जाती है, वो भी हमारा मार्केट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेज फंड्स क्या कहते हैं, रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं, और ये सारे जब ट्रेडिंग इनमें आ जाती है, लिंक्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं, कंट्री में डिटर्मिनेशन हो जाता है कि हम किस कंट्री के साथ कैसी ट्रेडिंग लिंक्स हमारी हैं, ट्रेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आपस में तय हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे आ जाते हैं। ये गरज के एक वो फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं और डिटरमिन करते हैं साइज का, डिटरमिन करते हैं हमारी रिलेशनशिप्स का हमारी और दूसरे ममालिक के ट्रेडिंग के साथ। कौन से ऐसे नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बाहर अवेलेबल हैं और अभी तक हमने टैप नहीं की, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे यहाँ टैप हो चुकी हैं लेकिन वो हमारे लिए सरप्लस हैं और हम उनका कुछ कर नहीं रहे, लिहाजा ये सारा टू वे ट्रेड का जो सिलसिला है ये सारा डिटर्मिनेशन होता है फॉरेक्स मार्केट के हिसाब से। अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं करेंसी ट्रेडिंग का। करेंसी ट्रेडिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकॉनमी में, हमारे रिजर्व्स को डिटर्मिन करती है, हमारे रिजर्व्स की ग्रोथ को डिटर्मिन करती है, हमारे रिजर्व्स को स्टेबल होने में मदद देती है, हमारे रिजर्व्स को एक ऐसे नहज पर पहुंचा देती है जिससे हमारी इकॉनमी जो है वो स्ट्रांग हो सकती है। कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो करेंसी ट्रेडिंग में पार्ट प्ले करते हैं। ऑल्दो एक्सचेंज रेट्स आर इफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स इन द एंड, करेंसी प्राइसेस आर अ रिजल्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। हमेशा ये याद रखिए कि जब किसी की प्राइस डिटरमिन होनी होती है, जब किसी की वैल्यू एसर्टेन करनी होती है, जब ये देखना होता है कि ये कमोडिटी की वैल्यू क्या है, हम ये देख लेते हैं कि उसकी डिमांड क्या है, हमेशा ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हमारी एज अ पर्सन हो, चाहे वो हमारी कमोडिटी के एतबार से हो, चाहे वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज हो, वो डिपेंड करता है कि उसकी मांग कितनी है दुनिया की मार्केट में। और अगर मांग ज़्यादा है और सप्लाई कांस्टेंट है तो हमेशा याद रखिए कि उसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो क्या होगा, वो हमेशा डिटरमिन करेगा प्राइस उसकी नीचे आ जाएंगी। तो ये गरज के डिमांड और सप्लाई जो है वो हमेशा अपना पार्ट प्ले कर रही होती है किसी भी एरिया में उसकी प्राइस को डिटरमिन करने में, चाहे वो कमोडिटी प्राइसिंग हो, चाहे वो किसी और प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो, चाहे वो यहाँ पे जिक्र हो रहा है करेंसी का, वो करेंसी की प्राइसिंग हो। अब आगे हम चलते हैं। द वर्ल्ड्स करेंसी मार्केट्स कैन बी व्यूड एज अ ह्यूज मेल्टिंग पॉट in a large and ever-changing mix of current events, supply and demand factors are constantly shifting and the price of one currency in relation to another shifts accordingly. No other market encompasses and distills as much of what is going on in the world at any given time as foreign exchange. अब इसमें क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड का जो रेशियो है वो मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये सब डिटर्मिनेशन जो होता है वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर होता है।
जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे सप्लाई कम होती है, जैसे सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड कम हो जाती है, या सप्लाई और डिमांड दोनों कांस्टेंट होते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम बन जाता है। जब ये सारी चीज़ें तीनों फैक्टर्स जो मिल जाते हैं वो फिर वैल्यू एसर्टेन हो जाती है। ये रियल लाइफ में हमारी भी सिचुएशन ऐसी ही है कि अगर हमारे इफ़ वी आर इन ग्रेट डिमांड देन ऑफ कोर्स यू कैन आस्क फॉर द प्राइस दैट यू वांट टू। इफ़ यू आर इन एक्सेसिव यू कैन बी अवेलेबल एनी टाइम एनी वे, और सप्लाई आपकी है और डिमांड आपका कोई नहीं कर रहा तो आप जिस मर्जी पे होगा कॉस्ट पे चले जाइएगा। ये दुनिया का कायदा है, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो, कि सप्लाई और डिमांड किसी हिसाब से डिटर्मिन करती है उसकी वैल्यू। सप्लाई एंड डिमांड फॉर एनी गिवन करेंसी एंड दस इट्स वैल्यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी सिंगल एलिमेंट बट रादर बाई सेवरल। These elements generally fall into three categories: economic factors, political conditions, and market psychology. यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं करेंसी की वैल्यू डिटर्मिनेशन का, यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं कि करेंसी की प्राइसिंग दूसरी फैक्टर्स के साथ किस तरह से एसोसिएटेड होती है, और जब उसके साथ एसोसिएशन इस्टेब्लिश हो जाता है तो किस तरह से वो प्राइस जो है वो बन जाती है। लिहाजा वो किस पर मोहित होता है, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, उसके पॉलिटिकल कंडीशंस पे होते हैं, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। ये तीनों जो फैक्टर्स मिलकर एसर्टेन करते हैं कि किस तरह से करेंसी ट्रेडिंग अगर हो रही है तो करेंसी की वैल्यू या तो कम होगी या ज़्यादा होगी या कॉन्स्टेंट रहेगी। हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं वो, और वो इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरह से पार्ट प्ले करते हैं प्राइसिंग को डिटर्मिन करने में किसी भी करेंसी का, उसकी वैल्यू डिटरमिन करने को। तो आइए वो हम देखते हैं। दीज इंक्लूड इकोनॉमिक पॉलिसी डिसेमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सेंट्रल बैंक्स, इकोनॉमिक कंडीशंस जनरली रिवील थ्रू इकोनॉमिक रिपोर्ट्स एंड अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब बात जो है वो इकोनॉमिक्स की है। हमारे मुल्क में अगर इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी स्ट्रांग या स्टेबल नहीं हैं तो वो स्ट्रांग और स्टेबल कंडीशंस ना होने की वजह से जाहिर है करेंसी पर उसका पूरा पूरा असर पड़ता है। आप यूँ देख लीजिए, अगर आपके हमारे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, एक बोरा भर के नोट हम लेके जाएं कुछ लेने के लिए और वहाँ से एक हाथ में एक चीज़ को लेकर आ जाएं, तो क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या बहुत अच्छी, इन्फ्लेशन हमें बहुत ज़्यादा हो चुका है, लिहाजा प्राइस तो इसकी कोई भी ज़्यादा हमारी वैल्यू करेंसी की नहीं हुई। लिहाजा ये इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और ये स्टेबल बनाती है आप की कंट्री की पॉलिसीज़ को, और ये स्टेबल इंटर्न बन जाती है कौन, वहाँ के पब्लिक, वहाँ का कॉमन आदमी। अगर कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबल होती हैं तो ये जो कॉमन आदमी है वो खुद स्टेबल होता है। ये बेसिक फैक्टर होता है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा कंसिडरेशन है जो इकोनॉमिक पॉलिसी डिटर्मिनेंट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हिसाब से। उसकी वैल्यू बता देता है वो करेंसी का, ये इकोनॉमिक कंडीशंस इसकी सही है, स्टेबल है, लिहाजा इसकी स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से करेंसी जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसमें है और उसकी प्राइसिंग बिल्कुल सही है और वैल्यू इसकी है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से आज रुपए की वैल्यू डॉलर के हिसाब से 61 रुपये, कल को वो रुपये की वैल्यू जो है 100 रुपये की हो गई, यानी एक डॉलर 100 रुपये का मिलेगा, उसके बाद थोड़े ही दिन अभी गुजरते हैं कि 200 रुपए का वो डॉलर मिलने लगेगा। तो ये क्या है, ये वीक इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारी कंट्री की। अगर ऐसा होता है तो इस बात की अलामत होती है। फॉर द प्रेजेंट अभी तक जो भी सूरत हाल हो रही है, अगर डॉलर और पीकेआर पैरिटी देखी जाए तो उसमें आपको कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आएगी और वो काफ़ी दिनों से एक रेट चल रहा है। तो ये किस बात की अलामत होता है कि फर्म इकोनॉमिक सिचुएशन, फर्म इकोनॉमिक सिनेरियो हमारी कंट्री का। इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइजेस गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, बजट, स्पेंडिंग प्रैक्टिसेस एंड मॉनेटरी पॉलिसी। द मींस बाय विच अ गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई एंड कॉस्ट ऑफ मनी विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। अब क्या होता है, जो सबसे मेजर और अहम फैक्टर है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज में, एक तो फिस्कल पॉलिसी है जो बजट स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर या किसी तरह से भी जो और एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट करना चाह रही है, उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक की होती है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। जब ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी
दोनों साथ साथ चलती हैं कंबाइन होके, तो वो वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी शेप अप होती है, और वो इकोनॉमिक पॉलिसी जब शेप अप हो रही होती है तो उसमें फिर वो डिटरमिन करता है कॉस्ट। वहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन है ज़्यादा, और देखा जाता है कि यहाँ पर किस अंदाज में डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है। यही तो नहीं है कि आपके पास उसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है पैसे की, और आप नोट छापे जा रहे हैं, लिहाजा ये किस बात की अलामत है? वीक इकोनॉमिक पॉलिसीज की। जब ये दोनों फैक्टर्स यानी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मिल जाते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी मुल्क की बनती है। अब जब मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है तो ये डिटर्मिनेंट होती है किस बात की? आपके करेंसी वैल्यू की, और इस हिसाब से फिर स्टेबिलिटी क्रिएट होती है आपकी करेंसी की। लिहाजा ये फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर्स कहे जाते हैं और डिटर्मिनेंट्स होते हैं हमारी करेंसी पॉलिसी और करेंसी वैल्यू के। अब इसमें हम और देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स क्या होते हैं, सरप्लसेस क्या होते हैं, इन दोनों चीज़ों का असर हमारी करेंसी वैल्यू पे पड़ता है। अगर डेफिसिट है तो क्या असर होगा, अगर सरप्लस है तो क्या असर होगा? द मार्केट यूजली रिएक्ट्स नेगेटिवली टू वाइडनिंग गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स एंड पॉजिटिवली टू नैरोइंग बजट डेफिसिट्स। The impact is reflected in the value of a country's currency. अब ये जो बजट डेफिसिट्स होते हैं, आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है बजट अनाउंस करता है उसमें आपको पता चला इतने मिलियन और इतने बिलियन का बजट डेफिसिट है। अब बजट डेफिसिट जो होता है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपने रेवेन्यू इतने ज़्यादा जनरेट नहीं किए, और उसके अगेंस्ट अखराजात आपने बहुत कर लिए, तो वहाँ पर डेफिसिट आ गया। अब उसे किस तरह से आपने मीट विद करना है? जब आप मीट विद करने की पोजीशन में होंगे तो वो डिटर्मिनेंट होगा एक फैक्टर और करेंसी वैल्यू का। जो हमारी करेंसी है वो डिटर्मिन होगी उसकी वैल्यू, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम अखराजात किए जा रहे हैं। भाई ये तो वही बात हुई कि आप नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, और मुलाजमत करने के बाद आपके रिसोर्सेज जो हैं वो 20,000 रुपये महाना है, आप अखराजात जो कर रहे हैं घर के वो 40,000 रुपये पे कर रहे हैं, चलिए 20,000 का हर महीने डेफिसिट आया, और डेफिसिट आते हैं एक। अब इससे क्या होगा, जब आपका हर महीने 20,000 डेफिसिट आएगा तो क्या होगा? आपकी जो इकोनॉमिक सिनेरियो है आपके घर का, आपकी फैमिली का, वो डेफिसिट में चला जाएगा और वो वीक हो जाएगा। तो जब कोई बात होगी तो आपको पता चलेगा नहीं अभी तो हमारे इतने अखराजात हो गए, इतने हमारे इनकम तो है नहीं, हम कैसे मैनेज करें। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आप उसको मैनेज करना चाहेंगे, अगर आप लोन्स क्रिएट करेंगे तो वो डेफिसिट में आप चले जाएंगे। पहले आप लोन्स उतारें, फिर आप अपनी इनकम इससे पहले इंक्रीज करें, फिर लोन्स उतारें, पर इसके ये एक विशस सर्कल है जिसमें हम फंस जाते हैं। और उसके बाद फिर अब हम इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से बात करते हैं, वो फिर करेंसी वैल्यू जो है वो वीक हो जाती है, उनका डिटर्मिनेशन जो है बहुत स्ट्रांग नहीं होता। वो जितने करेंसीज वर्ल्ड की हैं उनके साथ साथ जब हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि हमारी करेंसी उतनी स्ट्रांग या स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे डेफिसिट्स हैं, इसके हमारी रेवेन्यू जनरेशन इतनी नहीं है, हमारी इनकम इतनी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू वो नहीं है जो अदरवाइज होनी चाहिए थी। द ट्रेड फ्लो बिटवीन कंट्रीज इलस्ट्रेट्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज which in turn indicates demand for a country's currency to conduct trade. Surpluses and deficits in trade of goods and services reflect the competitiveness of a nation's economy. For example, trade deficits may have a negative impact on a nation currency. अब ये सबसे बड़ी बात होती है, अब trade deficit, अब यहाँ पे होता ये कि मैं जैसे हमारा मुल्क जो है वो ट्रेड करता है ABC कंट्री के साथ। अब ABC कंट्री के साथ ट्रेडिंग में होता ये कि हमारा 1 मिलियन का उनके साथ ट्रेड हुआ, या से 100 मिलियन का ट्रेड हुआ, 100 मिलियन का जब ट्रेड हुआ तो हमने इंपोर्ट्स किए हैं 100 मिलियन के, उसके अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट किए गए हैं वो 20 मिलियन के हैं। अब 20 मिलियन के एक्सपोर्ट्स में 100 मिलियन के एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स में, तो नतीजा क्या हुआ, 80 मिलियन का डेफिसिट हुआ या नहीं हुआ? अब जब 80 मिलियन का डेफिसिट होता है तो इसका मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारे अगेंस्ट हो गया, यानी जो उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिले वो कम है, पैसे गए हमारे ज़्यादा मगर आए कम,
ट्रेड हुआ ज़्यादा, यानी हमने चीज़ें मंगवाई ज़्यादा, उसके अवज हमारी चीज़ें कहीं कम, तो इसकी भी वैल्यू पर करेंसी की बहुत असर होता है। तो ये फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस को हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर आ जाती है बात इन्फ्लेशन की, कि हमारे मुल्क में महंगाई किस कदर है, ट्रेंड्स क्या हैं, कहाँ तक वो महंगाई जा रही है, अगर रोका जाए, उसमें पेशबंदियाँ किए जाएँ, तो उसके बाद इन्फ्लेशन में कमी होगी या नहीं होगी, ट्रेंड में क्या चीज़ हो सकती है, ये भी करेंसी वैल्यू डिटरमिन करती है। टिपिकली अ करेंसी विल लूज वैल्यू इफ देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री और इफ इन्फ्लेशन लेवल्स आर परसीव्ड टू बी राइजिंग। दिस इज बिकॉज इन्फ्लेशन इरोड्स परचेजिंग पावर, दस डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी। अब आप ये देखिए कि अगर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम एक, जैसा मैंने पहले भी आपसे मिसाल दी थी कि एक बोरा भर के, कई बोरे भर के हम करेंसी ले जाएं और थोड़ी सी उसके अगेंस्ट कोई चीज़ आ सके, जब उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, बाहर उस करेंसी के मुकाबले में कोई उसको मांगता ही नहीं है, तो फिर हम कितने दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे अपनी करेंसी के एतबार से। तो क्या होता है, ये डिटरमिन करता है क्या चीज़, इन्फ्लेशन, हमारे मुल्क में किस कदर महंगाई है और क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो महंगाई ज़्यादा होती चली जा रही है। उसके रिटर्न में हमने क्या किया है कि हमने नोट पसंद छापते गए, हमारा ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रोसेस जो है वो चलता आया। जहाँ ये सूरत हाल होती है, तो वहाँ उस इन्फ्लेशन के एतबार से जो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो उतनी नहीं होती जो एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली हो, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल जो करेंसीज़ हैं उनके हिसाब से अगर हमारी कम है, तो ना चले फिर उसको कोई मांगता नहीं है, उसकी फिर वैल्यू डिमांड नहीं होती, फिर जब डिमांड नहीं होती तो नेचुरली हम अपनी करेंसी लेकर बैठे भी रहे और हम उसमें ट्रेड करने की भी कोशिश करते रहे, तो वो कोई, जब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसमें फिर कोई ट्रेड ऑफ करता ही नहीं है। अब क्या एक ये बात हो गई अब इन्फ्लेशन के हवाले से, अब ये जो वैल्यू ऑफ करेंसी है ये क्या असरअंदाज होती है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, या इकोनॉमिक ग्रोथ हमें किस अंदाज में वैल्यू डिटरमिन करता है हमारी करेंसी की। क्योंकि हर बात, जो भी मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, हर जो भी डिटर्मिनेशन होता है उसका जो सबसे अहम और मेजर रोल होता है वो इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से, क्योंकि जब भी कभी इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी प्रिकेरियस होंगी हमेशा उसका असर पड़ेगा करेंसी वैल्यू पर। जब भी कभी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन होगा उसका वैल्यू पर करेंसी की असर पड़ेगा। जब भी हमारी कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो एब्रप्टली दूसरी करेंसीज़ के मुकाबले में हमारी प्रोग्रेस को रिटार्ट करेगी, तो वो हमारी करेंसी पे असर पड़ेगा, और कोई हमसे फिर लेगा नहीं हमारी करेंसी में कोई प्रोडक्ट, हमारी करेंसी में कोई डिमांड नहीं करेगा। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो करेंसी की हमारी वैल्यू कोई नहीं होगी। रिपोर्ट्स सच एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, रिटेल सेल्स, capacity utilization and others detail the levels of a country's economic growth and health. Generally, the more healthy and robust a country's economy, the better its currency will perform and the more demand for it there will be. Dekhen, baat ye hoti hai ki jab bhi kabhi koi currency ki demand hoti hai, value uski determine ki jati hai, hamesha apni country ki economic policy ke hisab se hota hai. अब मिसाल के तौर पे जैसे अमेरिकन डॉलर्स हैं, अमेरिकन डॉलर्स इतने मांग में हैं, क्यों? क्योंकि उसकी इकॉनमी जो है बहुत स्टेबल है। इंग्लैंड की जो पाउंड स्टर्लिंग है वो क्यों डिमांड में है? क्योंकि इकॉनमी जो है उनकी बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल उसी तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसीज़ हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हैं। जहाँ वो कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस प्रॉस्परस हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, जो दुनिया के मैप पर है, जहाँ ये सूरत हाल होती है, हमेशा उन कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ होती हैं उनकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होती है। जहाँ ये सिचुएशन होती है कि इकोनॉमिकली कंट्री इतना ग्रो नहीं कर रहा, उनकी डिमांड हमेशा कम होती है। और कभी कभी ऐसी कंट्रीज़ जहाँ इकोनॉमिकली जो डिसक्रेडिटेड होती हैं, वहाँ मुख्तलिफ और जो फैक्टर्स होते हैं और उनका सही यूटिलाइजेशन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का नहीं होता, तो वो क्या होती हैं, वो सबसे पहले उनकी करेंसी की वैल्यू पे असरअंदाज होता है।
और वो करेंसीज जो हैं जब डिमांड में नहीं होती तो उनका फिर जाहिर है वो वैल्यू नहीं डिटरमिन कर पाते। ये तो हो गए इकोनॉमिक सिनेरियो एज फार एज डिटरमिनेशन ऑफ द करेंसी वैल्यू इज कंसर्न। अब ये सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स ही नहीं होते जो करेंसी की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, बहुत अब जाहिर है हमारा मुल्क है, किसी का भी मुल्क है, वहाँ तो एक इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती हैं, दूसरी साथ में फिर पॉलिटिकल कंडीशंस भी होती हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस की स्टेबिलिटी के हिसाब से हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट करती है, और जहाँ इंटरलिंक्ड है ना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पॉलिटिकल ग्रोथ, पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस स्टेबल, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रिजल्टेंट। जहाँ ये सूरत, और जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रिजल्टेंटली होगी तो क्या होगा, जो भी फैक्टर्स उससे एसोसिएटेड है, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं करेंसी वैल्यू का, तो वो करेंसी वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर हो जाती हैं या नीचे हो जाती हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ये पॉलिटिकल कंडीशंस क्या पार्ट प्ले करती हैं, ये हम देखते हैं करेंसी वैल्यू के डिटरमिनेशन में। इंटरनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल कंडीशंस एंड इवेंट्स कैन हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन करेंसी मार्केट्स। फॉर इंस्टेंस, पॉलिटिकल अपहीवल एंड इंस्टेबिलिटी कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ नेशंस इकॉनमी। द राइज ऑफ अ पॉलिटिकल फैक्शन that is perceived to be fiscally responsible can have the opposite effect. Also, events in one country in a region may spur positive or negative interest in a neighboring country and in the process affects its currency. Acha yahi nahi ke hamare country mein agar political instability hai tabhi wo economic prosperity usse retard hogi, tabhi hamari currency ki jo value hai wo determine usse kam hogi, aisa nahi hai। बल्कि रीजन में कोई भी कंट्री ऐसा होगा जहाँ की पॉलिटिकल अपहीवल्स जहाँ पे आए होंगे, वहाँ अगर ज़्यादा कोई मसला अगर हो जाता है तो वो भी असर अंदाज होता है हमारे मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। लिहाजा जब भी कहीं कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात होगी, पॉलिटिकल अपहीवल्स होंगे, कहीं कोई कू हो रहा होगा, कहीं कोई और गवर्नमेंट एक के बाद एक टॉपल हो रही होगी, कहीं कोई और मसला बन जाता है सियासी तौर पे, जहाँ ये सूरत हाल होती है तो वहाँ वो स्टेबिलिटी होगी ही नहीं कंडीशंस में, और जब कंडीशंस जब स्टेबल होंगी नहीं तो नतीजा ये निकलेगा कि आप हमारी जो करेंसी वैल्यू है वो फिर वहीं रहती है जहाँ पे वो पहले थी, उसमें ग्रोथ नहीं है। या कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं कि जब हम अपने आप अपने बेस से हट जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एक समझाने के लिए दूंगा, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड हैं। अब एग्रीकल्चर हम इसे बिल्कुल अगर ख़त्म कर दें और किसी दूसरे एरिया में चले जाएं तो वहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गालिबा इतनी नहीं होगी जितनी एग्रो बेस्ड चीज़ों पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो बेसिस है, हमारी जो इनहेरेंट सिचुएशन है जिससे हम ग्रो कर रहे हैं वो एग्रो बेस्ड है। अब अगर उसको हमने भुला दिया, उसको छोड़ दिया, तो नेचुरली आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। अब उसी पे बेसिस पे फिर होता है कि जब पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कभी एक गवर्नमेंट आती है फिर दूसरी चली जाती है, फिर और कुछ होता है, किसी भी मुल्क के हिसाब से, किसी भी कंट्री के हिसाब से, चाहे वो कहीं हो रीजन में कोई असरअंदाज हो रहा है, तो हमेशा उसका ट्रेड पर बड़ा असर होता है, करेंसी की वैल्यू पे बहुत ख़राब असरात पैदा होते हैं। और जब ये ख़राब असरात होते हैं तो इसी तरह से जो इनकी लिंकेजेस हैं दुनिया की करेंसीज़ के हिसाब से, दुनिया के ट्रेड के हिसाब से, वो असरअंदाज होती हैं। लिहाजा देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच डिटर्मिन द मार्केट वैल्यू ऑफ द करेंसी। नंबर वन, इट इज़ द इकोनॉमिक फैक्टर। नंबर टू, इट इज़ द पोलिटिकल फैक्टर। एंड नाउ वील सी वॉट मार्केट साइकोलॉजी डज एज फार एज डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज कंसर्न। एंड इट प्लेज अ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट रोल, रादर इट्स अ की फैक्टर दैट प्लेज अ पिवोटल रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी। मार्केट साइकोलॉजी एंड ट्रेडर परसेप्शंस इन्फ्लुएंस द फॉरन एक्सचेंज मार्केट in a variety of ways, that is the flights to quality. A flights to quality kya hota hai, ab ye aap dekhiye, unsettling international events can lead to a flight to quality with investors seeking a safe haven. Kahin ye aisa determine ho jata hai ki jahan pe hum investment kar rahe hain to wo safe nahi hai, secured nahi hai. Jab aisi situation ho jati hai ki jo hamara yahan pe trade hai
जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन खासतौर से जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो फिर अपना पैसा निकालते हैं अपने कारोबार में और कई ऐसी जगह वो भेजना शुरू कर देते हैं, मुंतकिल करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर ये बहुत समझ लें कि ये सेफ है, क्योंकि वो फिर इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं करते, वहाँ मालूम होता है कि पता नहीं आज हैं कल नहीं हैं, जब अनसिक्योरिटी होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, तो वहाँ पर ये मुमकिन नहीं होता और वो फिर उनके कैपिटल का यहाँ से फ्लाइट होना शुरू हो जाती है, यहाँ से चले जाते हैं और किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कम से कम जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ हो। देयर विल बी अ ग्रेटर डिमांड दस अ हायर प्राइस फॉर करेंसीज परसीव्ड एज स्ट्रॉन्गर ओवर द रिलेटिवली वीकर काउंटर पार्ट। अब जब ये सूरत हाल होती है कि कहीं एक जगह से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा होता है, जब फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है तो इसका मतलब है जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है वो वहाँ से वो किसी दूसरी करेंसी के रिलेशनशिप में होता है, तो दूसरी जो करेंसी होती है एकदम जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जब डिमांड उसकी बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है, और जब वैल्यू इंक्रीज करती है तो आप जिस करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिस करेंसी में बिजनेस कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, वो कम हो जाती है नेचुरली, फिर वो जो दूसरी जो करेंसी है जिससे वो सेफ हेवन के लिए आप भेज रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट का, तो वो फिर आपकी वैल्यू वहाँ उसकी ज़्यादा होती है और वो यहाँ पर फिर कम हो जाती है। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो पॉलिटिकल अपहीवल से रिलेटेड होता है, कि यहाँ आज ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है लिहाजा इसको यहाँ नहीं इन्वेस्टमेंट करना। अब इसी हिसाब से फिर हम देखते हैं कि और जो करेंसी मार्केट ट्रेंड्स हैं उनमें लॉन्ग टर्म इवेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं, आगे इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे होती है। करेंसी मार्केट्स ऑफन मूव इन विजिबल लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, ऑल्दो करेंसीज डू नॉट हैव एन एनुअल ग्रोइंग सीजन लाइक फिजिकल कमोडिटीज, business cycles do make themselves felt. Cycle analysis looks at longer term price trends that may rise from economic or political trends. ab ye long term trends dekhe jate hain kisi bhi currency ka, dekhne mein aata hai ki aainda jo pehle jo iska determination hota tha value ka wo kaisa hai, kis tarah se ye behave karti rahi hai, maazi mein kaisi karti rahi hai, अब क्या इसकी सूरत हाल है, और आइंदा नतायज निकाले जा सकते हैं कि क्या होंगे। लिहाजा जब ये सूरत हाल होती है तो ये प्राइस डिटर्मिनेशन जो है इसके हिसाब से वैल्यू डिटर्मिनेशन करेंसी की होती है, और ये वैल्यू डिटर्मिनेशन हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को देखकर होती है। जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हमें पता चल जाते हैं तब हम करेंसी की वैल्यू को खुद डिटर्मिन कर लेते हैं। अब इसी को बाद और हम जब आगे चलते हैं तो उसमें एक सिचुएशन आती है बाय द रूमर सेल द फैक्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब बाय द रूमर एंड सेल द फैक्ट ये क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दिस मार्केट टूरिज्म कैन अप्लाई टू मैनी करेंसी सिचुएशंस, इट इज़ द टेंडेंसी फॉर द प्राइस ऑफ अ करेंसी टू रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन बिफोर इट अकर्स एंड व्हेन द एंटिसिपेटेड इवेंट कम्स टू पास react in exactly the opposite direction. This may also be referred to as a market being oversold or overbought. अब यहाँ पर यह situation आ जाती है, आपने ये expression सुना होगा the market is oversold, the market is overbought. ये situation किस वक्त पैदा होती है, ये जब कोई ऐसी situation market में rumors चल रही होती हैं किसी account में भी, economic प्रॉस्पेरिटी के हवाले से, पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से, या कोई ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसके हवाले से, जब ये कंडीशन मार्केट में एकदम से आनी शुरू हो जाती है तो वहाँ पे वो करेंसी जिसके हवाले से ये बात कही गई होती है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो जाती है, या तो वो ओवरबॉट होती है या वो ओवरसोल्ड होती है। लोग अगर वो ख़राब उसकी सिचुएशन पता चलती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंसी अपने आप से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर पता चल जाता है कि एक कंडीशन एक करेंसी की ज़्यादा स्ट्रांग और स्टेबल है तो लोग कोशिश करते हैं कि वो करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा ले लें ताकि उनका जो सरमाया है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो उसमें सिक्योर रह सके। इसी वजह से ये एक्सप्रेशंस आते हैं, वो रूमर्स के हिसाब से डिपेंड करते हैं और वो फिर करेंसी या तो ओवरबॉट हो जाती हैं या ओवरसोल्ड हो जाती हैं। ये एक सिनेरियो है, एक ये कॉन्सिक्वेंस है, एक ये रिजल्ट है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा गया है कि किस तरह से रूमर मांगरिंग होती है और वो असरअंदाज होती है
करेंसी की वैल्यू के हिसाब से। अब इसका मजीद और एक्सप्लेनेशन है, टू बाय द रूमा और सेल द फैक्ट कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉग्निटिव बायस नोन एज एंकरिंग when investors focus too much on the relevance of outside events to currency prices. Ab usme currency value ko determine karne ke liye kahi kahi jo investors hain, jo external factors hote hain, external influences hote hain, unko bahut zyada value dekar price ka determination, value determination kar lete hain currency ka. Zaruri nahi hota ki kabhi kabhi wo jo external factors jis pe bahut zyada reliance kiya gaya ho वो सारे वैलिड हों, लेकिन ये मैनिपुलेशन होता है। ये जब बहुत ज़्यादा इसमें सिचुएशन आ जाती है उसी हिसाब से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड करके और वो वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। ये सारी बात आ जाती है फिर क्या, किस पर डिपेंड करके, इकोनॉमिक नंबर्स पे। अब इकोनॉमिक नंबर्स क्या होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, किस बात पर, किसी भी करेंसी की वैल्यू डिटरमिन करने में। और ये इकोनॉमिक नंबर्स कैसे डिटरमिन करते हैं ये हम देखते हैं। वाइल इकोनॉमिक नंबर्स कैन सर्टनली रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी, सम रिपोर्ट्स एंड नंबर्स टेक ऑन अ टैलिस्मैन लाइक इफेक्ट। द नंबर इटसेल्फ बिकम्स इंपॉर्टेंट टू मार्केट साइकोलॉजी एंड मे हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन शॉर्ट टर्म मार्केट मूव्स। वॉट टू वॉच can change over time in recent years. For example, money supply, employment, trade balance figures and inflation numbers have all taken turns in the spotlight. Aap jab currency value determine karte hain kisi area ki, to sabse pehle kya hota hai, keh dete hain ki us economy mein, us country ki unemployment bahut hai, aur khaas taur se jo unemployment hai wo kisme hai, youth mein. Log wahan jo young generation hai वो स्कूल कॉलेजों से निकल के, यूनिवर्सिटी से निकल के सामने जब आती है तो क्या होता है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जो यंगस्टर्स कैपेबल स्किल्ड लोग होंगे वो जब सामने आएंगे तो वो फिर क्या होगा, उन्हें जॉब मिलेगा। जब इन्हें जॉब मिलेगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब वहाँ पे देख लिया कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गया, एक ये फैक्टर हो गया। दूसरी बात क्या हुआ कि उसके ट्रेडिंग लिंक्स इतने स्टेबल नहीं हैं दूसरे ममालिक के साथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। उसके बाद जो करेंसी स्पेकुलेशन हैं उनमें उस करेंसी के हिसाब से हमारा बहुत ज़्यादा नीचे वैल्यू आ रही है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसी वैल्यूज़। जब ये सारे जो नंबर गेम्स जहाँ पे आ जाते हैं, ये फैक्टर्स को नंबर गेम में ले आते हैं, तो क्या होता है, वहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उस जगह, जब स्पेकुलेशंस आ जाते हैं बहुत ज़्यादा दूसरे फैक्टर्स को हम जब ले आते हैं, तो वो फिर क्या डिटर्मिन करता है, हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत नीचे एज़ कम्पेयर टू अदर वैल्यू of currencies which are there in the market. जब हमारे यहाँ economic prosperity होती है तब ये करना बड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। किस तरह से हम करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम देख लेते हैं। और जब ये देख लेते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें कुछ हमारे technical trading considerations भी होते हैं जिस वक्त हमारी economic policies सामने आती हैं। और टेक्निकल ट्रेडिंग कंडीशंस जो हैं वो डिटरमिन करते हैं किस बात को, करेंसी वैल्यू को। एज इन अदर मार्केट्स द एक्युमुलेटेड प्राइस मूवमेंट्स इन अ करेंसी पेयर सच एज यूरो एंड यूएस डॉलर्स कैन फॉर्म अपेरेंट पैटर्न द ट्रेडर्स मे अटेम्प्ट टू यूज। मेनी ट्रेडर्स स्टडी प्राइस चार्ट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सच पैटर्न्स। अब ये ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का पैटर्न आइडेंटिफिकेशन उन्होंने कर लिया होता है, किस तरह ट्रेड हमारी आगे चल रही है, और वो फिर ले जाती है बात किधर, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं, ये सबसे पहले फैक्टर होता है स्पॉट। अब स्पॉट क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि जब भी कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के आते ही स्पॉट रेट्स आ जाते हैं। अब स्पॉट रेट्स होते क्या हैं या फॉरवर्ड कवर्स क्या होते हैं, अब हम वन बाय वन चलते हैं। स्पॉट ट्रांजैक्शन इज़ अ टू डे डिलीवरी ट्रांजैक्शन एज अपोज टू द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर यूजुअली थ्री मंथ्स। दिस ट्रेड रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्ट एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज
as the shortest time frame involves cash rather than a contract, and interest is not included in the agreed upon transaction. The data for this study comes from the spot market. Spot has the largest share by volume in FX transactions among all instruments. Ab ye spot rates bahut important role hai determine karne ke liye kisi bhi currency ki value. Jab ye currency ki value determine karte hain to spot rates hamesha ek critical role play karte hain aur ye interest rates ke hisab se डिटर्मिनेशन होता है जिससे वो अग्रीड अपॉन इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से रेट करेंसी का डिटर्मिन करके बात आगे बढ़ा देते हैं और ये स्पॉट रेट जो है मौके पर ही प्राइस आपको डिटर्मिन कर देता है, वैल्यू डिटर्मिन कर देता है करेंसी. एक तो ये तो स्पॉट रेट हो गया. आपने अक्सर इंटरनेशनल मार्केट में फॉरवर्ड कवर या फॉरवर्ड बुकिंग का नाम ज़रूर सुना होगा. इससे कभी कभी जब स्पेकुलेशंस होते हैं फॉरवर्ड कवर के हिसाब से तो या तो बड़े लॉसेस हो जाते हैं या बहुत गेंस होते हैं. तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल जाता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है. और फॉरवर्ड होता क्या है ज़रा ये देखिए. वन वे टू डील विद द फॉरेक्स रिस्क इज़ टू एंगेज इन अ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन. इन दिस ट्रांजैक्शन मनी डज नॉट एक्चुअली चेंज हैंड्स अंटिल सम अग्रीड अपॉन फ्यूचर डेट. अ बायर एंड सेलर अग्री ऑन एन एक्सचेंज रेट for any date in the future and the transaction occurs on that date regardless of what the market rates are then. The duration of the trade can be a few days, months or years. Yahan par bade bade jo idare hain wo ya to khatam ho jate hain ya bahut zyada prosperity unme ho jati hai. Hota kya hai ye forward booking mein ye wahan jaisa ki aapne abhi dekha ki ye koi जो पैसे हैं ये आपस में एक्सचेंज नहीं होते. मनी डजंट चेंज हैंड. उसमें डीलिंग अग्रीमेंट ट्रांजैक्शन का होता है कि एट अ फ्यूचर डेट आज से 15 दिन के बाद, आज से एक महीने के बाद, आज से 6 महीने के बाद, आज से एक साल के बाद एंड सो ऑन. इस करेंसी की वैल्यू जो है जिसकी वैल्यू आज 60 रुपये है या 100 रुपये है उसकी 6 महीने के बाद उस करेंसी की वैल्यू जो है वो 200 रुपये हो जाएगी. अब उस हिसाब से हमने अपनी करेंसी की उतना ऑर्डर बुक करवा लिया कि आइंदा 6 महीने के बाद हम 1,00,000 से यूएस डॉलर ले लेंगे या यूरो ले लेंगे या पाउंड स्टर्लिंग ले लेंगे. अब रेट क्या डिटरमिन हुआ? एंटिसिपेशन स्पेकुलेशन के हिसाब से कि वो जो डॉलर का रेट अगर आज 60 रुपए है तो कल को मुतवक्को है कि वो डॉलर का रेट 65 रुपए होगा 6 महीने के बाद. अब क्या है वो 6 महीने के बाद जब वो डेट आई उस वक्त हमने देखा कि डॉलर का रेट जो है वो 65 रुपए के बजाय बन गया 70 रुपए. अब हमने तो बुकिंग करवा दी है 65 रुपए के एतबार से तो हम सिर्फ 65 रुपए के एतबार से देंगे. जो बैलेंस जो अमाउंट होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा. अब क्या है अब अगर मिसाल के तौर पे वो 70 रुपए ना होकर 65 रुपए जो आज का है वो 60 रुपए पे आ गया तो नेचुरली जितना हमने फॉरवर्ड कवर करवाया था बुकिंग करवाई थी वो 60 रुपए के हिसाब से. लेकिन हम 60 रुपए का रेट उस वक्त नहीं देंगे. हमने तो जो रेट आपस में तय किया है 65 रुपए का हम उसी हिसाब से देंगे. नतीजा क्या होगा वो हमारा लॉस हो जाएगा. लिहाजा बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने ये स्पेकुलेशन के गेम में पार्टिसिपेट करते हैं इन्हें लॉसेस हो जाते हैं या फ़ायदा हो जाता है. तो ये डिटरमिन करता है आपकी करेंसी की वैल्यू. फिर फ्यूचर का क्या रोल होता है, किस तरह से ये फ्यूचर पार्ट प्ले करता है वैल्यू डिटरमिन करने में करेंसी की. Foreign currency futures are forward transactions with standard contract sizes and maturity dates. For example, 500,000 British pounds for next November at an agreed rate. Futures are standardized and are usually traded on an exchange created for this purpose. The average contract length is roughly 3 months. Futures contracts are usually inclusive of any interest amounts. जहाँ ये सूरत-ए-हाल हो जाती है, वो future contracts जो हैं, वो standardized इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स ऑफ रिटर्न्स होते हैं और उसके हिसाब से फिर करेंसी की वैल्यू डिटरमिन होती है. अब इसी ज़िम्न में एक और भी लफ्ज़ आपने सुना होगा और वो लफ्ज़ क्या है, स्वैप. बज़ाहिर आपको यही अंदाज़ा होता होगा कि स्वैप में कोई एक्सचेंज होता है. आपने प्रिजनर्स का स्वैप सुना होगा,
आपने एक जगह से दूसरी जगह आर्म फोर्सेस में देखा होगा कि वहाँ स्वैपिंग हो गई, या एक आपका खुद ही कोई चीज़ हो आपस में, आप आम कॉन्सेप्ट ही यही है कि जहाँ स्वैपिंग का लफ्ज़ आता है वहाँ पे कोई चीज़ की का तबादला हो रहा होता है। अब यहाँ करेंसी के हवाले से भी स्वैप आता है, जब मानों में जिन मानों में भी इस्तेमाल होता है, तो देखें वो क्या है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन इज द करेंसी स्वैप। इन अ स्वैप टू पार्टीज एक्सचेंज करेंसीज फॉर अ सर्टन लेंथ ऑफ टाइम एंड अग्री टू रिवर्स द ट्रांजैक्शन एट अ लेटर डेट। दीज आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर नॉट ट्रेडेड थ्रू एन एक्सचेंज। अब ये आपको पता चल गया कि ये स्वैप जो है वो एक्सचेंज है, ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें दो पार्टीज हैं, वो आपस में जो करेंसीज हैं वो एक्सचेंज तो बेशक कर रही हैं। अब जब एक्सचेंज कर रही हैं तो ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स नहीं है, लेकिन स्वैपिंग करेंसीज की हो रही होती है। उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, ऑप्शन का। अब ऑप्शन क्या चीज़ होती है? अ फॉरेन एक्सचेंज ऑप्शन कॉमनली शॉर्टन टू जस्ट एफएक्स ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव वेयर द ओनर हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज मनी denominated in one currency into another currency at a pre-agreed exchange rate on a specified date. The FX option market is the deepest, largest and most liquid market for options of any kind in the world. अब ये option के उसमें आ जाता है जिम्मे, determination किस बात का होता है, ये currency की value का होता है। अब ये मुख्तलिफ जो एक्सप्रेशंस हैं, मुख्तलिफ जो ट्रांजैक्शंस हैं, मुख्तलिफ जो एक्सचेंज के रेफरेंस में ट्रांजैक्शंस के हवाले से बात आ रही है, हमने जिक्र जिनका किया, चाहे वो फॉरवर्ड हो या ऑप्शन हो या फ्यूचर हो या स्पॉट हो, कुछ भी हो, ये डिटरमिन किस बात को करते हैं, ये डिटरमिन करते हैं आपकी करेंसी वैल्यू का। अब इसी जिम में एक है स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन में क्या होता है? Controversy about currency speculators and their effect on currency devaluations and national economies recurs regularly. Nevertheless, many economists have argued that speculators perform the important function of providing a market for hedgers and transferring risk from those people who don't wish to bear it to those who do. Ye basically ek important part play karta hai speculation ke baad se, aur wo speculation mein hamesha वो फैक्टर्स आ जाते हैं जहाँ ये एंटिसिपेट किया जा सकता है कि ये करेंसी की वैल्यू आगे क्या होगी और किस तरह से ये नीचे जा सकती है, और कभी कभी ये अंदाज़ा जो है सही होता है, ज़्यादातर सही होता है, मगर कभी कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं। अब मज़ीद हम देखते हैं, अदर इकोनॉमिस्ट्स हाउएवर मे कंसिडर दिस आर्ग्यूमेंट टू बी बेस्ड मोर ऑन पॉलिटिक्स एंड अ फ्री मार्केट फिलोसफी देन ऑन इकोनॉमिक्स। लार्ज हेज फंड्स and other well-capitalized position traders are the main professional speculators. Ab main professional speculators jo hain wo kaun hote hain? Wo position traders hote hain, jinhein ye andaaza hota hai, jinhein ye pata hota hai ki ye market mein is currency ki kya rujhan kya hai, kitna is economic prosperity hai, kitni economic growth hai, aur usme ye andaaza kar lete hain ki ye kis tarah currency kidhar ja rahi hai, इकोनॉमिक कंडीशंस इसकी क्या है। लेकिन आमतौर से जो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं इसमें इकॉनमी का कोई रोल नहीं है, इसमें सारी सारी सिचुएशन जो है वो पॉलिटिक्स की है और पॉलिटिकल कंडीशंस की है, लिहाजा ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें स्पेकुलेशंस किया जाए और उसके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें मिल जाए। करेंसी स्पेकुलेशन इज कंसिडर्ड अ हाईली सस्पेक्ट एक्टिविटी इन मैनी कंट्रीज वाइल इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स और स्टॉक्स ऑफन इज कंसिडर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाई प्रोवाइडिंग कैपिटल। Currency speculation does not. According to this view, it is simply gambling that often interferes with economic policy. देखा ना, मैं आपसे यही कह रहा था, बात यही होती है कि ये जो speculation का जो role आता है वो सिर्फ gambling है, एक अंदाज़ा है, बड़ी बड़ी betting हो जाती हैं, लग जाती हैं, और उसमें यह समझ में आता है कि ये आइंदा क्या होगी सूरत हाल, किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, लोकल सिनेरियो को देखकर, ट्रेंड्स को देखकर, और वो अंदाज़ा लगा के और उसके हिसाब से उसमें शर्त पैदा हो जाती है। तो जब ये सिचुएशन होती है तो जो स्पेकुलेटर्स हैं उन्हें माहौल का अच्छी तरह अंदाज़ा है और वो फिर उसमें मैनिपुलेशन की बात आ जाती है, और जब मैनिपुलेशन आता है जहाँ ये बात आई वहाँ वो गैम्बलिंग हो जाती है। लिहाजा ये कोई इकोनॉमिक रोल नहीं हुआ,
ये तो पॉलिटिकल रोल हुआ, ये तो गैम्बलिंग हुई. फॉर एग्जांपल इन 1992 करेंसी स्पेकुलेशन फोर्स्ड द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन टू रेज इंटरेस्ट रेट्स फॉर अ फ्यू डेज टू 150% पर एनम एंड लेटर टू डीवैल्यू द क्रोना. Former Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad is one well-known proponent of this view. अब ये समझ लीजिए, महातिर मोहम्मद इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट समझा जाता है, लेकिन एक बार में ये भी वहाँ पे कहा गया कि वो स्पेकुलेटर है. किस तरह से उसका मैनिपुलेशन किया गया कोरोना का, किस तरह से उसका रिटर्न्स आए, किस तरह से देखा गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, किस पर बेस की, गैम्बलिंग के ऊपर. अब जब गैम्बलिंग की बात आई तब नेचुरली फिर वो इकोनॉमिक्स तो ना रही ना, वो तो फिर पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई. ही ब्लेम्ड द डिवैल्यूएशन ऑफ द मलेशियन रिंगिट इन 1997 ऑन जॉर्ज सोरोस एंड अदर स्पेकुलेटर्स. अब ये स्पेकुलेटर्स का ही कहना है कि ये काफ़ी प्रोमिनेंट रोल था. अब जब प्रोमिनेंट रोल स्पेकुलेटर्स का हुआ तो उसके हिसाब से करेंसी वैल्यू कैसे डिटर्मिन की जा सकती है. इन दिस व्यू कंट्रीज में डिवेलप्स अनसस्टेनेबल फाइनेंशियल बबल्स और अदरवाइज मिसहैंडल द नेशनल इकोनॉमी एंड फॉरेक्स स्पेकुलेटर्स मेड द इनएविटेबल कलैप्स हैपन सूनर. अ रिलेटिवली क्विक कलैप्स माइट इवन बी प्रेफरेबल टू कंटिन्यूड इकोनॉमिक मिसहैंडलिंग. महातिर मोहम्मद and other critics of speculation are viewed as trying to deflect the blame from themselves for having caused the unsustainable economic conditions. Mahathir Mohamad ne hamesha speculation ko criticize kiya aur ye kaha ki ye jo bhi kuch hota hai ye economic sustainability nahi hoti, isme economic conditions ki prosperity indicate nahi karta, ye it is all gambling and nothing else. लिहाजा जो भी कभी स्पेकुलेशन की बात आती है इसमें स्टेबिलिटी इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती. अब हमने अंदाज़ा किया अपने इस डिस्कशन में कि सबसे पहले फैक्टर्स वो क्या क्या हैं जिससे करेंसी की ट्रेडिंग होती है और करेंसी की वैल्यू डिटरमिन होती है. सबसे पहला रोल हमने जो डिस्कस किया वो क्या था, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे. उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन कौन से रोल आए, वो हुआ फिस्कल पॉलिसी इन लाइन विथ मॉनेटरी पॉलिसी. उसमें क्या हुआ, गवर्न बजटरी डेफिसिट्स और सरप्लसेस. बजटरी डेफिसिट्स होते हैं वो कंट्री की इकॉनमी को स्टेबल या प्रॉस्परस बना देती है. जहाँ डेफिसिट्स होते हैं वहाँ सरप्लसेस नहीं होंगे, जब सरप्लसेस नहीं होंगे तो प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी और वो इकॉनमी प्रॉस्परस नहीं होती. फिर उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि ट्रेंड बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या हैं, इन्फ्लेशन लेवल्स क्या हैं और उसके ट्रेंड्स आगे चल के क्या सिचुएशन बनती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है या नहीं. फिर पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत रोल प्ले कर रही होती हैं. किसी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिटर्मिन करने के लिए पॉलिटिकल कंडीशंस का रोल इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स का डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ कौन सा इन्वेस्टर आएगा और वो इन्वेस्टमेंट करेगा, अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योर रखेगा और जब मकसद उसका पूरा हो जाएगा तो फंड्स वो रिपैट्रिएट करके अपने ओरिजिनल कंट्री में ले जाएगा. फिर वो देखते हैं कि मार्केट साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, किस तरह की करेंसी वैल्यू डिटरमिन की जा रही है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से बाहर मांगी जा रही है. फिर फ्लाइट्स होते हैं, फ्लाइट्स ऑफ कैपिटल. आज हमने यहाँ पैसा लगाया, कल को कुछ ऐसी सूरत हाल हुई कि जो लोग पैसा यहाँ पे लगा रहे थे वो ले लेकर अपना चले गए, क्योंकि वो यहाँ पे सेफ हेवन नहीं है. वो समझते हैं कि आज उनका जो पैसा है वो सिक्योर्ड नहीं है, वो किसी दूसरे मुल्क ले जाते हैं. यही होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स. फिर इसमें सिचुएशन एक आ जाती है, बाय द रूमर सेल द फैक्ट, और उसमें बहुत सी रूमर मांगरिंग होती है और उसको देखते देखते फिर इकोनॉमिक नंबर्स पर गेम आ जाती है. तो एक दो फैक्टर्स नहीं हैं करेंसी की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए, उसमें और बहुत सारे ये फैक्टर्स मिलकर करेंसी ट्रेडिंग होती है, इंटरनेशनल मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसके हिसाब से जो टेक्निकल ट्रेडिंग कंसिडरेशंस के एतबार से फिर पहले वैल्यू डिटरमिन होती है. अब मेरा ख्याल है कि आपकी कुछ समझ में आया होगा, आपने देखा होगा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसे होती है, करेंसी डिवैल्यू या वैल्यू कैसे होती है. जब ये सूरत हाल आपके सामने है तब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हमारी करेंसी दूसरी करेंसी उसके साथ रिलेट कर रही होती है. बस मेरा ख्याल है अब हम यहीं रुक जाते हैं, अब आइंदा इस बात को आगे बढ़ाएंगे. अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़.